हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं लोग? माय नेम इज यशोदा सिंह जोहल। वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो इस टाइम पे हम करते हैं 25 एमसीक्यू, प्राइमरीली फोकसिंग ऑन द अपकमिंग जेकेपी कांस्टेबल। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, राइट? तो आज के हमारे 25 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, ठीक है? तो हमने ऑगस्ट तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिनको नहीं पता है तो वो आप प्लीज हमारे YouTube चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको करंट अफेयर्स का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा। 43 लेक्चर्स हैं शायद। तो जनवरी टू ऑगस्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सितंबर करंट अफेयर्स, ठीक है? तो रिसेंटली द कंट्री ऑफ लाओस, ठीक है, ये न्यूज में था। आपने बताना है कि करेंसी क्या है लाओस की। तो लाओस बेसिकली न्यूज में रहा था, और लाओस ना ये ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री है ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आपको ये पूछे कि ये कहाँ की कंट्री है तो याद रखना एशियन कंट्री है, और इसका कैपिटल है वियतनी, वियतनी ऐसे कैपिटल है इसका। एंड व्हाट इज द करेंसी? द करेंसी इज किप, किप इज द करेंसी, ठीक है, याद रखिए। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर टू, फुट एंड माउथ डिजीज इज हाईली कंटेजियस, व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरियल वायरल फंगल जेनेटिक। तो फुट एंड माउथ डिसीज जो है ये बेसिकली फेटल तो नहीं होता है, लेकिन हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने ना 8 स्टेट्स में, जैसे कि आपका पंजाब था, हरियाणा था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, कर्नाटका था, तो 8 फुट एंड माउथ डिजीज फ्री जोन्स जो है वो डिक्लेयर किया था, या फिर मतलब डिक्लेयर भी नहीं किया था, हाँ मतलब फ्री जोन्स बनाई थी, राइट? तो फुट एंड माउथ डिजीज क्या है? ये बेसिकली एक वायरल डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज पोबा, क्या है पोबा रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व जो रिसेंटली न्यूज में था। आपने बताना है ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है। डज इट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या ये बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ असम, या फिर बिलोंग करता है टू द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, या सिक्किम को बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा जो आपका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये बेसिकली बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है एज अ वाइल्ड लाइफ, राइट? और ये कहाँ पर है, इट इज, याद रखिएगा, न्यूज में रहा, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये भी रिसेंटली न्यूज में था। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, जेनेवा, लंदन, जकार्ता या ढाका। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर है इन लंदन, यूके, ठीक। Next up, question number 5. 5th is, okay, before we move forward, guys, we have started a batch. However, अब time बहुत कम रह चुका है. First को आपका paper है. तो अभी भी आपके पास 1-1.5 महीना है. हमारी 5-6 घंटे की close class चल रही है. We have started classes very rigorously. हमने classes start कर दी हैं. और आप चाहे तो register कर सकते हैं. क्योंकि अगर थोड़ा भी time निकल गया तो I think बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अब करने के करने होप अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी आ सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू गो टू आवर एप्लीकेशन विंग्स ए कुरान और जे कॉन्स्टेबल को जाके सब्सक्राइब करिए। जब भी सब्सक्राइब करेंगे तो अप्लाई कूपन कोड में YASH10 लिखेंगे तो आपको कंसेशन मिलेगा इन योर, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स है, चाइना, वियतनाम, न्यू दिल्ली या थाईलैंड। तो हाल ही में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन का सम्मिट हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स है हमारे इंडिया, भारत में, विच इज न्यू, ठीक है। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अभी न्यूज में था, हाउ एवर ये न्यूज में रहता ही है बिकॉज इंडिया जो है वो बहुत डेस्परेटली चाहता है कि वो भी एक परमानेंट सीट है एट द यूएनएससी, तो इसलिए ये न्यूज में रहता है। आपने बताना है कि यूएनएससी के कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो यूएनएससी इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और इसमें अ टोटल ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, 12, 15, 10 या 5, अ टोटल ऑफ 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपके 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉन परमानेंट या टेम्पररी मेंबर्स। अगर बात करें 5 परमानेंट मेंबर्स की तो वो है आपका यूके, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, राइट? तो ये आपके
परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको हम प्यार से P5 नेशंस भी कहते हैं। इसी के ही साथ आपका एक G4 नेशन भी है, विच इज द बिग जे, मैं इसको बिग जे की तरह याद रखती हूँ, विच इज ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान, तो लड़ रहे हैं कि भैया हमको भी UNSC में परमानेंट सीट वो मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा द टोटल मेंबर्स एट द UNSC आर 15, और अगर पूछे हाउ मेनी आर द परमानेंट मेंबर्स, द आंसर इज 5 एंड टेम्पररी इज 10, अ टोटल ऑफ 15। नेक्स्ट अप 7th, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रिसेंटली सीन इन न्यूज, कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या असम? सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो ये एक सेंचुरी भी है और आपका जो है इट इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। नेक्स्ट अप, द गवर्नमेंट कैटेगराइजेज ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम PSUs कहते हैं, इन टू हाउ मेनी कैटेगरीज, ठीक है। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में एक को जो है नवरत्न का जो है वो कैटेगरी में डाला गया है, इसलिए तो याद रखिएगा PSU कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मिनी रत्न, एक होता है नवरत्न और एक होता है महारत्न। कितनी हुई है टोटल ऑफ 3, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 9, रामन मैक्से अवार्ड पॉपुलर, जिसको हम बोलते हैं द एशियाज नोबल प्राइज, ठीक है। तो पूछे एशियाज नोबल प्राइज क्या है, इधर रामन मैक्से अवार्ड, ठीक है, किसको मिला है इस बारी, तो मिया जाकी हायो, ओके, दूसरा भी सेम है, पीएम मोदी या रामन मैक्सेसे। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका अवार्ड मिला है दिस, तो ठीक है, मियाज़ाकी हायो को मिला है और ये अवार्ड है नेम्ड आफ्टर अ प्रेसिडेंट जिनका नाम है रामन मैक्सेसे, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कहाँ के प्रेसिडेंट जिनके ऑनर में ये रखा गया, ठीक है, याद रखिए, ये आपका होमवर्क है फॉर टुडे। Next up, 10, first indigenously developed pollution control vehicle, sorry, vessel of Indian Coast Guard, जिसका नाम है समुद्र प्रताप, कहाँ पे लॉन्च हुआ, बॉम्बे, गोवा, बंगाल, वाइजैग? तो याद रखना it is manufactured by the Goa Shipyard Limited and launched at Goa only, ठीक है, so Goa। Next up, question number 11, पुरी 1 hydroelectric project कौन से रिवर के ऊपर है, चिनाब, जेहलम, रावी या ब्यास? तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में तैयारी हो रही है फॉर उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, इसलिए ये न्यूज में था। तो कौन से रिवर के ऊपर है, दैट इज जेहलम, एंड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1903 चिनाब, जेहलम एंड इंडस, इन तीन रिवर्स का पानी एलोकेटेड पाकिस्तान को, एंड द रेस्ट विच इज रावी, ब्यास एंड सतलुज का पानी हमको एलोकेटेड है। So western tributaries of Indus, including Indus, is with Pakistan and eastern tributaries of Indus is with India. ठीक है, Indus को माना जाता है as the lifeline of Pakistan और Ravi जिसका पानी India को allocated है क्योंकि ये eastern river है Indus का, eastern है Indus का, उसको माना जाता है as the lifeline of Lahore क्योंकि Lahore में जितना भी agriculture है ना वो highly dependent है Ravi के ऊपर। और अभी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द शाहपुरकंडी बैरेज पानी जो ज्यादा था बचा हुआ पानी उस टू पाकिस्तान पे बैन लगा दिया, तो याद रखिएगा IWT के बारे में भी और उरी हाइड्रोलिक। नेक्स्ट अप, रिसेंटली सीन इन न्यूज, सायोरा इज वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सायोरा ट्राइब बेसिकली एक PBTG है belonging to the state of Odisha, और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि इनको habitat, अपने habitat जो rights होते हैं ना इनकी ancestral land की इनको rights मिले, इसलिए सायोरा जो है वो tribe news में था। कौन सी state को belong करता है, to the state of Odisha। Next up, 13, Indian Semiconductor Mission comes under which, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर? तो याद रखिएगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
आई थी, जिसको हम प्यार से मई थी कहते हैं। नेक्स्ट अप फोर्थ, द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री टू गेट अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन और द जीआई टैग, वो कौन है? तो क्या वो थंजावुर वीणा है, क्या वो मृदंगम है, क्या वो सरोद है, या वो हातम है? तो याद रखिएगा ये वीणा है, और वीणा है थंजावुर, बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और ये हमारे कंट्री का पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको जीआई टैग। ठीक है, तो फर्स्ट में भी याद रखना, फर्स्ट इन इंडिया में भी इसको आप याद। ठीक है, नेक्स्ट आप 15, मेडीरिया रिवर इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट? नाइल, अमेज़न, थेम्स एंड गंगा। तो जो आपका ये है ना मेडीरा रिवर, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मेडीरा रिवर में ना बहुत ज्यादा वाटर लेवल लो हो गया था, राइट? तो इसलिए ये न्यूज में था, और ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ द रिवर अमेज़न। ठीक है, अमेज़न की ये मेजर ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट अप 16, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन निधि प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2016 में। इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? क्योंकि ये फिर से न्यूज में था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, एजुकेशन, लेबर या अर्थ साइंसेज। तो याद रखना निधि प्रोग्राम आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, next up, think, the Saharia tribe is a particularly vulnerable type tribe, मतलब PVTG है, और कितने PVTGs है इंडिया में? 75, right? कौन सी states में ये spread है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, या all of the above? तो याद रखना all of the above, तीनों में ही ये spread है। So they are spread across मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जैसे मैंने पीछे सायोरा ट्राइब किया था, तो ये भी आपको छोटे मोटे दूसरे स्टेट्स में मिलते हैं, डोमिनेट है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ये वाले आपको तीनों स्टेट्स में मिलेंगे, और ये पीवीटीजी है, पीवीटीजी 75 पीवीटीजी, राइट? पीवीटीजी होते क्या, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो पीवीटीजी होते बेसिकली वो ट्राइब्स हैं जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं हमारे, और उनका पॉपुलेशन ग्रोथ या स्टैग्नेंट है या डिक्लाइनिंग है, लो लिटरेसी रेट है, उनका आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, अपने में ही रहते हैं, और इन सब क्राइटेरियाज के ऊपर एक ट्राइब को पीवीटीजी जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पीवीटीजी। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज अल नजा इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, ओमान, मलेशिया या यूएई? तो याद रखना एक्सरसाइज अल नजा इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है जी, 19, लाइन टेल मकॉक, जिसको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहते हैं, इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ वेयर? नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, या हिमालयन रेंज? तो याद रखिएगा जो लाइन टेल मकॉक है ना, ये नेटिव है इंडिया का, और ये इंडिया की एक एंडेमिक स्पीशी है, लाइक मेंशन, जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप इसकी शक्ल भी देख लेना, इसका इस पे ना क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में आया था कि लाइन टेल मकॉक क्या होता है, क्या ये एक लाइन है, टाइगर है, मंकी है, रेप्टाइल है, क्या है? तो याद रखना ये एक मंकी है, मतलब क्यूट तो नहीं बोलेंगे, बट बड़ा अलग सा दिखने वाला मंकी है, मतलब ब्यूटिफुल एनिमल्स की कैटेगरी में आप इसको। नेक्स्ट इज गोपाल फोर्ट, कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो याद रखना गोपालपुर है ओडिशा। नेक्स्ट अप 21, पलामू टाइगर रिजर्व रिसेंटली बीन इन न्यूज, कहाँ पे लोकेटेड है? झारखंड में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में या वेस्ट बंगाल में? सो पलामू टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है जी, नेक्स्ट अप, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या 20 सितंबर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट होता है ऑन 15 दिसंबर, याद रखना इंटरनेशनल डे की बात। नेक्स्ट अप 23rd, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSMEs बोलते हैं,
इनॉगरेट किया है उन्होंने सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन टू टेक्नोलॉजी क्रिएट सेटअप, कहाँ पे सेटअप किया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो याद रखना ये बना है ले में, दैट इज लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट अप 24th, सेल्यूलिटिस डिजीज इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल, ज़ूनोटिक या जेनेटिक? तो याद रखना ये है एक बैक्टीरियल डिजीज, जैसे हमने पीछे किया था ना फुट एंड माउथ, वो वायरल था, ये वाला बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, और दिस इज एवरी डे साइंस, ये करंट अफेयर एंड एवरी डे साइंस। लास्ट, Recently, the Prime Minister of India ने लॉन्च किया है सुभद्रा, a flagship scheme। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, ओडिशा ने, मध्य प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने या फिर झारखंड ने? तो याद रखना ये जो सुभद्रा है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है और लॉन्च किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, और इसमें बेसिकली फोकस किया जाएगा एलिजिबल वुमेन्स के ऊपर, Women from 21 to 60 years of age, इनको 50,000 रुपए मिलेंगे 5 साल के पीरियड में। तो अगर आप हर साल का देखोगे तो 10,000 पर एनम का, और 21 से 60 years के बीच के women eligible होंगी, और eligibility भी इनका है, मतलब online e-KYC करवाना पड़ना है ये सब, और बहुत सी criterias हैं जिनको ये eligibility। तो guys ये थे हमारे आज के 25 MCQs, and अपना homework शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 दिसंबर को आ गया, पेपर बहुत पास है, और अभी द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इज रिपीटेड रिवीजन। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उनको भी रेगुलरली मॉक लगाने की जरूरत है, रेगुलरली MCQ सॉल्व करने की जरूरत है, और जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनको रिपीटेड रिवीजन करनी चाहिए और सिर्फ मॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसलिए विंग्स एक उड़ान, वी हैव अपग्रेडेड आवर टेस्ट सीरीज, और अब हम आपको अ टोटल ऑफ 18 टेस्ट देंगे जिसमें 13 आर द सेक्शनल, 5 आर द फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट। सेक्शनल का मतलब हो गया कुछ टॉपिक स्पेसिफिक आपको जो है टेस्ट दिए जाएंगे, और 5 होगा फुल लेंथ जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, मिसलेनियस सब कुछ जो है एक ही टेस्ट में कवर होगा। सो 5 फुल लेंथ है एंड 10 आर द सेक्शनल। अगर आप चाहते हैं इसको अवेल करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ये अवेलेबल है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड। माय रिकमेंडेशन इज कि जब तक आप पेन, कॉपी, पेंसिल नहीं पकड़ोगे हाथ में तब तक वो फील नहीं आएगा आपको पेपर वाला, तो ऑफलाइन मोड में दीजिए, बाकी यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ बेटर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, वहां पे जाके आप अवेल कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या अपना होमवर्क बताना और स्कोर भी बताना। बाय, टेक केयर।